नमस्ते, कैसे क्या हो? अभी स्कूल से आया, ये अभी स्कूल से आया। जिसने देखा कोई सांप का बच्चा, सांप आप है? हाँ, जूते के अंदर। जूते को नमस्कार दोस्तों, आज हम कौन सा नगर? गणेश नगर, शिवनगर, शिव राजसमंद के शिवनगर के पास में आए हैं। आलोक स्कूल के पीछे एक शिवनगर है, ये बता रहे जैसे कि जूते के अंदर इसमें आगे आगे अच्छा इसमें देख सकते हैं दोस्तों, टॉर्च है क्या मोबाइल की? इसके अंदर एक सांप है और ये शायद तक या तो कॉमन सेंट बोया है या अजगर का बच्चा है, अजगर का बच्चा ही लग रहा है। तो देख सकते हैं किस तरीके से जूते के अंदर, आप देख सकते हैं बारिश का सीजन है। हम पहले भी आपको, आप सभी को जागरूक करते हैं कि जूतों के अंदर या घरों के अंदर जैसे भी जो वेस्टेज आइटम होते, टायर है, पीपे हैं, उनको घरों के अंदर नहीं रखें। लेकिन जूता देखो, घर से थोड़ा बाहर पड़ा है तो ये देखिए जूते के अंदर किस तरीके से अजगर का बच्चा, आप देख सकते हैं। ये छोटी वाली टॉर्च बड़ी गाड़ी में इसको करेंगे, तो हमारे साथ में जुड़े रहिए और देखिए किस तरीके से अजगर का बच्चा जूते के अंदर बैठा है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये कपड़े की थैली मिलेगी भैया का। लगभग एक से डेढ़ फीट लंबा है बच्चे ही है, ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है, अजगर है, इंडियन रॉक पाइथन। देख सकते हैं जूते के अंदर से किस तरीके से बाहर आता होगा जी वो या फिर अगर जूते आप बाहर रखते तो उसको चेक करना बहुत जरूरी है दोस्तों। देख सकते हैं अजगर, ये तो ठीक है बिना जहरीला, अगर जहरीला होता तो काफी बड़ा हादसा हो सकता था। देख सकते हैं दोस्तों, इसको हमने डिब्बे के अंदर ले लिया है, तो डिब्बे के पहले से हमने छेद कर चुके हैं ताकि इसको कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। आज हम राजसमंद जिले के शिवनगर में पंकज सिंह जी कड़ेचा सर के घर पे आए हैं, तो ये बताएंगे कैसे क्या हुआ था और आप क्या बताना चाहेंगे सर इसके बारे में। आज आपके घर पर जैसे इस तरीके का सांप आ गया है, हालांकि ये अजगर इसमें जहर नहीं होता। बच्चा स्कूल से आया था, आते ही फिर उसने देखा पापा अंदर सांप है जूते के अंदर। फिर मैंने फ़ोन लगाया, नवीन जी के फ़ोन लगाया, फिर नवीन जी आए, फिर जूते के अंदर चेक किया, सांप समझे थे, फिर अजगर का बच्चा निकला। ये आप सभी से निवेदन है कि बारिश का टाइम है, आप जूते पहनने से पहले एक बार चेक कर लें और जूते संभाल कर रखें और चेक करके फिर पहने ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। धन्यवाद दोस्तों। फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने देखा अभी जूते के अंदर से अजगर का बच्चा पकड़ा। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना रिस्क है, आप सावधानी बरते हैं। जूते के अंदर वो तो ठीक था कि अजगर ही था, अगर कोई कोबरा सांप होता या कोई जहरीला जानवर होता तो फिर काफ़ी घटना घटित हो सकती। वहाँ वहाँ छोड़ो, वहाँ उसके झाड़ू के नीचे, हाँ, ताकि झाड़ू में अच्छी तरीके से चला जाए। काफ़ी प्यारा, दोस्तों वन्य जीव कोई भी हो, सभी को जीने का अधिकार है। आप ये नहीं समझे कि ये जानवर जहरीला है तो इसे हम मार दें, ये अपना रास्ता भटक जाते हैं तो हमारे घरों में आते हैं, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्तों।
ओके दोस्तों, बहुत ही जल्द नई वीडियो में आप सभी के साथ में, नई मुलाकात के साथ में। अब हम चलते हैं, ये आजकल थोड़ा रुक गया है इसको, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जंगल है।